तकरीबन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे जीतन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। हाँ तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि हमारे जीतन ट्यूब चैनल पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जहां से डेफिनेटली एक नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, वो यहाँ पे डील कराए जाते हैं। दोस्तों अभी जो यहाँ पे चल रहे हैं टॉपिक्स, वो यहाँ पे सेक्रेटरी के टॉपिक्स चल रहे हैं। इसके कंप्लीट होने के बाद मैं उसके अलग सब्जेक्ट के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लाने की कोशिश करूंगा। तो उससे पहले दोस्तों, आप अगर हमारे जीतन ट्यूब चैनल पे पहली बार आए और अभी तक हमारे जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं कर दिया, ताकि कर दीजिए, ताकि ऐसी नोटिफिकेशंस आपको हमारे जीतो यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो है वो मिलती रहे। तो आज का जो हमारा होने वाला है दोस्तों, वो रहेगा हमारा ओसीडी टॉपिक। ओसीडी आप सभी को पता है कि ओबेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको दोस्तों ये क्या है, एक न्यूरोसिस की जो है वो डिसऑर्डर है। मैंने आपको न्यूरोसिस साइकोसिस में दोनों ऑलरेडी कल की क्लास में जो है वो डिफरेंस बता दिया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये जो ओसीडी है, इसके अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले ओ से क्या होता है, यहाँ पे ओबेशन होता है, जिसका मतलब क्या होता है, थॉट होता है। ठीक है, किसी भी पर्सन है, किसी भी क्लाइंट, जो भी पेशेंट है, उसके मन में एक थॉट जनरेट होता है सबसे पहले। फिर सी से कंपल्सन है, कंपल्सन मतलब जो भी थॉट हुआ है उसके ऊपर वो क्या करता है, एक्टिविटी करता है। उसके साथ में डी से क्या है, डिसऑर्डर। तो ये दोनों मिलके क्या है, डिसऑर्डर बन जाता है क्लाइंट का, अगर ये चीज बार बार रिपीटेटिव होती है तो। वहीं डेफिनेशन में बात करें तो अनवेलकम यहाँ पे आइडियाज वगैरह जो है वो जनरेट होते हैं, अनवेलकम आइडियाज और थॉट जो है वो जनरेट होते हैं उस पर्सन के माइंड में, बार बार जनरेट होते हैं, जो कि स्टीरियोटाइप मैनर के रूप में बन जाते हैं। तो आगे मैं आपको एग्जाम्पल तीन एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपको ईजिली जो है वो समझ आ जाने वाला है। उसमें दोस्तों सबसे पहले अगर क्लिनिकल फीचर्स की इसकी बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में यहाँ पे एंजाइटी हो सकता है, एंजाइटी के साथ में फीचर्स हो सकते हैं, डिप्रेशन के हो सकते हैं, या फिर मिक्स ओबेशन थॉट के कंपल्सिव एक्ट के यहाँ पे हो सकते हैं, जिसमें क्या करता है पेशेंट को अपन बार बार, जैसे आपने एक एग्जाम्पल, मैं आपको तीन एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें आपको इजिली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है तो मान चलिए कि बार बार जो है वो अपने हाथों को धोता रहता है, क्यों, क्योंकि उसके माइंड, पहला एग्जांपल है तो सही, उसके माइंड में जो है बार बार यहाँ पे थॉट आता है, ओबेशन थॉट आता है कि उसके हाथ जो है वो गंदे हैं। अब उसके यहाँ माइंड में एक थॉट जनरेट हुआ, अनवेलकम थॉट जनरेट हुआ, उसके साथ में वो थॉट पे क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे एक्टिविटी करता है, यानी कि कंपल्सन करता है। तो अब वो बार बार क्या है, अपने हाथों को जाके यहाँ पे साबुन से धोएगा। ठीक है, फिर धोने के बाद में फिर कहीं अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे टच हो गया, कहीं पे भी टच हो गया, उसे लगेगा अब मेरे हाथ फिर से गंदे हो गए, मुझे अपने हाथों को धोना चाहिए, तो वो फिर से वो अपने हाथों को धोने जाता है। और बार बार यही यहाँ पे अनवेलकम यहाँ पे आइडियाज उसके माइंड में थॉट आएंगे और उस थॉट पे दोस्तों यहाँ पे बार बार वो एक्टिविटी करेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओबेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं, एक ही डिसऑर्डर बन जाता है स्टीरियोटाइप मैनर का। तो साथ में ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों पहला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि बार बार वो अपने हाथों को धोएगा, दूसरा किस प्रकार का रहता है दोस्तों यहाँ पे, कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, रोज जो है अपने ऑफिस के लिए निकलता है, मान चलिए ऑफिस के लिए निकलता है तो अपने रूम का जो है वो ताला लगा के जाता है, जैसे वो नीचे अपने पार्किंग में अपने गाड़ी के पास होता है तो उसके मन में फिर से दोस्तों ये क्या होता है, ओबेसिटी, यानी कि थॉट आता जनरेट होता है, उसको लगता है कि जो मैंने वो है वो ताला जो है वो ठीक से नहीं लगाया, शायद वो खुला रह गया है, तो वापस से दोस्तों वो वापस से क्या है, मान चलिए अप स्टेयर चढ़ के, तीन मंजिल पर रहता है, अप स्टेयर चढ़ के जाता है, ताला चेक करता है और वापस से उसे लगता है कि उसने जो है वो ऑलरेडी लगा दिया था, ये तो मैं फालतू में देख के आ गया। दोस्तों ये जो थॉट और आइडियाज उसके अंदर आ रहे हैं, एक्टिविटी भी करता है, लेकिन बाद में दोस्तों उसको ये पता भी लगता है कि ये तो अनवेलकम आइडियाज से बाद में वो पछताता भी है दोस्तों इसके बाद में, तो बार बार फिर वो नीचे आएगा, फिर वो लगेगा कि मैंने यहाँ पे नहीं करा ये चीज, तो बार बार वो ताला फिर से देखने जाएगा। तो ऐसे टाइप के यहाँ पे दोस्तों व्यक्ति जो बार बार उसकी मैनरिज्म में, मैनर में आ जाते हैं, वो कौन से आते हैं, ओसीडी इसको कहलाते हैं। थर्ड जो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कुछ होते हैं जो बार बार चेक करते हैं ऐसे ही, अब क्या होता है कोई दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति है, वो यहाँ पे मार्केट में जा रहा है, कुछ चीज सामान लेने के लिए जा रहा है और वो अपने पर्स को बार बार क्या करता है, खोल के देखता है कि इसमें हाँ पैसे हैं, कहीं चोरी तो नहीं हो गए हैं, फिर रखता है वापस पर्स को, खोलता है कि अरे पर्स में कहीं पैसे मेरे किसी ने चुरा तो नहीं लिए हैं, फिर रखता है, सेम चीज ये क्या रिपीट करता रहता है, तो उसके अंदर में बार बार क्या अनवेलकम थॉट आते हैं और उस पर वो एक्टिविटी करता है, बाद में दोस्तों वो पछताता है कि हाँ ये चीज जो है वो अनवेलकम थी, लेकिन वो इस पर दोस्तों कंट्रोल करना चाहता है लेकिन कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाता है। अब आइए दोस्तों आपको तीन एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, अब अपन चलते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों कुछ यहाँ पे ईसीटी, कुछ ओसीडीज में यहाँ पे ईसीटी दे सकते हैं, डिप्रेशन वाले जाइली ज्यादा ही हो जाएगा, तो ईसीटी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, तो उस जगह पे जाके अपन ईसीटी दे सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे साइको फार्माकोलॉजी दे सकते हैं, साइको फार्माकोलॉजी क्यों दे सकते हैं दोस्तों, एंजाइटी हो रही थी तो यहाँ पे एंटी एंजाइटी दे सकते हैं, साथ
में एंटी साइकोटिक ड्रग जो है वो दोस्त यहाँ पे दे सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे एंटी साइकोटिक ड्रग जो है वो बढ़ा दी है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसकी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो ये दो चीज यहाँ पे दे सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या है, साइकोथेरेपी है जो बहुत अच्छी। साइकोथेरेपी क्या होती है, साइकोथेरेपी में आपको ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा, मैंने बताया भी हुआ है कि साइकोथेरेपी में जिस लाइक आपके यहाँ पे कुछ उसको अगर जब जब उसको यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे थॉट जनरेट होगा तो उसका थोड़ा बिहेवियर में अपन क्या है चेंजेबल करेंगे, ताकि वो बार बार उस पर एक्ट करने की कोशिश ना करे। जिस लाइक यहाँ पे सिस्टमेटिक सेंसिटाइजेशन करा सकते हैं, फ्लडिंग करा सकते हैं, सामना इस तरीके की बहुत सारे दोस्त यहाँ पे थेरेपी है वो यहाँ पे दे सकते हैं किसको, पेशेंट को। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे ओसीडी जो है वो समझ में आ गई होगी आपको। मैंने ओसीडी में दो डिसीज पढ़ा दी, कल जो है फोबिया पढ़ाया था, आज इसमें ओसीडी मैंने आपको क्लियर करा दिया। तो यहीं पे दोस्तों ये पूरा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोई क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक जो क्लाइंट है बार बार क्या है उसे लगता है कि उसके हाथ गंदे, वो बार बार धोने के लिए जाता है, तो अब ये बताइए कौन से टाइप का जो है वो डिसऑर्डर है। तो वहां पे ऑप्शन में आपको दिखेगा ओसीडी, तो वहां पे टिक कर देना है, आपको वहां पे एक नंबर मिल जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। और कल दोस्तों जिसका भी यहाँ पे एग्जाम था यहाँ पे दोस्तों किसका आरएमएल का एग्जाम था, आई होप दोस्तों यहाँ पे कैसा रहा होगा फीडबैक वगैरह, मैं आप जो भी कमेंट करोगे मैं समझ में आ जाएगा किस तरीके का एग्जाम रहा, आप फीडबैक कमेंट करके बता सकते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे एक और डेट जो आई है वो एसजीपीजीआई की जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी उसके एडमिट कार्ड दोस्तों आज से डाउनलोड होने लग गया है, जो कि 22 तारीख को है, और 2-3 शिफ्टों में दोस्तों ये पेपर कराया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी इशू आए तो आप मेरे को डायरेक्टली जो है मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे जो है वो इजीली गाइड करूंगा और लिंक जो है वो इजीली आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और दोस्तों मैंने जैसे कल आपको बताया था कि मेरा फेसबुक पे पेज भी है, आप वहां पे भी जाके यहां पे उसको फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी डेली बूस्टर डोज वगैरह आपको दे दी जाती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करिएगा और लोगों को भी शेयर करिएगा, ताकि इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो हमारे जीत यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। सो हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शिवरात्रि।